साथियों, परों की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है। और मैं आज देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकल करके मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए, मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो इस उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है। मैंने कहा, राष्ट्रपति जी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूं। मैं इस गांव के एक बच्चे के रूप में, जहां से जिंदगी शुरू हुई, उस गांव के नागरिक के रूप में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। अतिथि देवो भव के संस्कार भारत में किस प्रकार से हमारी रगों में पहुंचे हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने पैतृक आवास को मिलन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दे दिया था। आज वो विमर्श और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर महिला सशक्तिकरण को नई ताकत दे रहा है। उनके प्रयास से यहां अंबेडकर भवन के रूप में बाबा साहेब का आदर्शों को प्रेरणा केंद्र भी बनाया गया है। मुझे विश्वास है भविष्य में परों आपके सामूहिक प्रयासों से विकास के रास्ते पर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के सामने ग्रामीण विकास का मॉडल पेश करेगा।